नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। दैनिक मामले घटकर 50,000 के नीचे आ गए हैं, जो कि एक समय 4,00,000 के पार पहुंच गए थे। वहीं मौत के आंकड़े में भी कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 54,069 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 1,321 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि बुधवार के मुकाबले आज गुरुवार को नए मरीजों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को देश में 50,848 मरीज मिले थे। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,82,778 पहुंच गया है। इसमें से अब तक 3,91,981 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कुल संक्रमितों में से 2,90,63,740 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 68,885 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव केस घट रहे हैं। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,27,057 पर आ गई है, जिनका इलाज जारी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.61% पहुंच गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे बना हुआ है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.91% है। राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को बीते 24 घंटे में 10,066 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 163 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 59,97,587 पहुंच गई है। इसमें से 1,19,303 लोग जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में बीते दिन 6,596 नए कोरोना केस सामने आए, इस दौरान 166 लोगों की जान गई। वहीं कर्नाटक में बुधवार को बीते दिन 4,436 नए मरीज मिले, जबकि 123 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। केरल में बुधवार को 12,787 नए मरीज रिपोर्ट किए गए, वहीं 150 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह बीते दिन आंध्र प्रदेश में 4,684 नए मरीज सामने आए, इस दौरान 36 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा असम 2,728, हरियाणा 174, पंजाब 496 और तेलंगाना में बुधवार को बीते दिन 1,114 नए मरीज सामने आए। देश भर में बीते 3 दिनों में लगातार रिकॉर्ड टीकाकरण जारी है। पहले दिन जहां 86,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया, तो वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 54,00,000 रहा और बुधवार को वैक्सीन की 64,89,000 खुराकें दी गई। अब तक देश में कुल 36,16,00,000 लोगों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।